कि अगर इनको नहीं मिल रहा है, इनके पति जो है उनका मृत्यु 2015 में ही हो गया है, तो किसको आखिर योजना का लाभ मिल रहा है? छह साल कुछ होता है, छह साल ये कैसे बिताई होंगी? जो पैसा देता है उसको केवल पैसा दिया है, उसके अति वृद्धा पेंशन जवान के हो जाता है पैसा घुस देकर। हमने के उम्र नहीं है अभी, होगा सेट में 15,000 चाहिए। अच्छा, गाय सेट में 15,000, आवास में 5-7,000 मांगता है। मतलब वो कोई गारंटी, जो 15 साल का लड़का है उसको मिल रहा है वृद्धा पेंशन, लेकिन जो 65 साल 70 साल का है उसको नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? क्योंकि 15 साल वाला पैसा दे रहा है, उसका हो जा रहा है, और जो 70 साल 80 साल के हैं वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उनका नहीं चोरी है। जो विधवा है, मैं विधवा के लड़ता है कि पहले उसको कल नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पर नहीं मिला सर। किसको मिला? जिसका पक्का मकान है उसको मिला है, और ये घर में 7 कॉलोनी मिला है सर। काहे नहीं मिल रहा है? मतलब आप पैसा वैसा नहीं दे पा रहे हैं? इतना पैसा रहेगा तब ना। कोई लाभ नहीं मिला तो आप मुखिया जी के पास गए कि हमको कोई योजना का लाभ दिलवा दीजिए? आते हैं तो उसको पैसा चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भोकाल टीवी न्यूज, और मैं आपका दोस्त समर अयाज। जैसा कि आपको पता है कि भोकाल टीवी न्यूज आपको झारखंड के विभिन्न आधारभूत मुद्दों का दिखाने का काम कर रही है, इसी सिलसिले में आ चुके हैं गढ़वा जिला के कांडी प्रखंड के पथरिया पंचायत में। और यहां हम देखने की कोशिश करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो हर साल करीब 40 से 50 लाख रुपया और करीब 5 से 6 सालों में 3 से 4 करोड़ रुपया आया है, उसका यूज कितना हो पाया है, क्या गरीबों को इसका लाभ मिल पाया है या नहीं मिल पाया है। हम कुछ लोग यहाँ हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में जिनका विकास होना चाहिए हो पाया है या नहीं हो पाया है। आइए, कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जोगेंद्र राम। जोगेंद्र राम जी, आप बताइए कि अभी तक पथरिया पंचायत में आपको किस किस सरकारी योजना का लाभ मिल पाया है? कुछ नहीं मिला सर। तो आखिर जो योजना सरकार भेज रही है वो किसको मिल रहा है? सर जी, जिसको मिल रहा है मुखिया को मिल रहा है, मुखिया प्रतिनिधि जो है वो नहीं, हमको कुछ नहीं दिया गाँव में, सिरी गाँव में। तो आप वार्ड सदस्य हैं? जी। तो आप वार्ड सदस्य हैं तो क्या मुखिया जी आपसे सहमति नहीं लेते हैं कोई योजना आता है? नहीं, कोई सहमति नहीं। मतलब वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हम बांट देंगे, अपने से बांट देंगे, कंबल आया या जो भी आया अपने से काम करते हैं। अच्छा, अपने से काम करते हैं। आपको आवास मिला है? नहीं सर। तो काहे नहीं मिला? आप अमीर हैं या आपका पक्का का घर है? नहीं सर, देख लीजिए, सामने देखने वाली चीज़ है, एक झोपड़ी में रहते हैं हम, खुद एक झोपड़ी में रहते हैं। पूरा गाँव से पूछिए, हमसे मत पूछिए सर। यहाँ पर घुसखोरी है। जो विधवा है, मैं विधवा के लड़ता है कि पहले उसको कल नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पर नहीं मिला सर। किसको मिला? जिसका पक्का मकान है उसको मिला है, और ये घर में 7 कॉलोनी मिला है सर। ये देखिए इनका कहना, घर में 7 कॉलोनी मिला है और 10,000 घूस दे करके लिया है कॉलोनी। तो घूस कौन लेता है? एक कौन समूह होता है सर? आप स्वयं सेवक? हाँ। उसका क्या नाम है? अति मनोज राम नाम है कि पासवान नाम है, यही नाम है उसका। ये देखिए इनका कहना है कि एक घर में 7-7 कॉलोनी मिल जा रहा है, जो पैसा दे रहा है उसको मिल रहा है, जो पैसा नहीं दे पा रहा है उसका नाम आने के बाद ही मिल रहा है। क्या आपका नाम आया था? नाम है सर, नाम है, नाम है, फिर भी नहीं आया? नहीं आया सर। इन लोग बोलता है कि ये विधवा के बोल रहा है इन लोग कि उसका कागज अति कंप्लीट नहीं है, मतलब जो है कि ऐसा कागज कंप्लीट नहीं है, अबरी बार आएगा तो तबरी बार आएगा। अब 5,000 घूस दिया है सर, उन लोग से पूछिए, हमसे मत पूछिए। किसको घूस दिया है? अति वही मनोज राम बोल रहे हैं, डीलर जो है सर, अभी डीलर भी है, कृषि मित्र भी है, उसका 5 को पावर अभी है सर, अब फिर मुखिया प्रतिनिधि बनने जा रहा है वो। मतलब मुखिया का चुनाव भी लड़ने वाले? हाँ। तो मतलब आपका कहना है कि भ्रष्टाचार इस पंचायत में हद से ज्यादा बढ़ा हुआ? बहुत है सर, बहुत है। अगर आप हमारे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं उन तक आप अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कहिएगा? हम सर कहेंगे कि यहाँ पर जो है, हाँ सर, यहाँ बोलेंगे, हम अभी भी बोलेंगे कि यहाँ पर पथरिया पंचायत में जो है मुखिया, बीडीसी और जो सहायता समूह का बोले आप सर, हमको उतना नहीं याद रहता है, ये सब मिल करके इतना घूस लिया है इस पंचायत में, और कुछ भी काम नहीं हुआ है सर, कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ। और हम ये भी कहें कि भैया विकास करो, अब नहीं तो विधवा जो है, विधवा ओनली विधवा को कम से कम कॉलोनी तो दो। 5,000 घूस लिया है उसको भी कॉलोनी दिया है। ये देखिए इनका कहना है कि घूसखोरी बड़े पैमाने पे है, मुखिया, बीडीसी, स्वयं सेवक, रोजगार सेवक सभी मिलकर इस पंचायत को मतलब निचोड़ने पे लगे हुए हैं। पंचायत को मतलब लग रहा है कि चूस लेंगे, 6 साल में इतना चूसे हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ भीड़ कितना लगा है। हम लोग जैसे रुके मतलब सारे लोग इकट्ठे हो गए, बोल रहे हैं कि हमारी बात को आगे बढ़ाइए। आइए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? नागेंद्र शर्मा नाम है। नागेंद्र शर्मा जी, आप बताइए कि सरकारी योजना में कौन कौन से योजना का लाभ मिला है? हमको कुछ नहीं मिला है सर। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं।
तो काहे नहीं मिला, आप अमीर हैं? अमीर हैं तबे नहीं मिल रहा है, घर दूरा सब गिरा हुआ है सर, एगो गौशाला के हम मर रहे हैं उसको भी नहीं मिल रहा है। मतलब गौशाला आवास कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है सर। तो काहे नहीं मिल रहा, किसको मिल रहा है? सब मिल रहा है, बड़े बड़े आदमी को अथी कर दे रहे हैं और ले जा रहे हैं, हम लोगों को नंबर है ये नहीं है कि मिलेगा। अब कितना दिन से हम कॉलोनी बदी मर रहे हैं। मतलब जो पैसा दे रहा है उसको मिल रहा है? अब उसी को मिलेगा ना सर। कितना पैसा मांग रहे हैं? अब हम मांगने के सवाल नहीं है हमारे पास, हम जानते नहीं है कि पैसा मिला, लेकिन हम कॉलोनी बदी बराबर जा रहे हैं लेकिन हमको नहीं मिल रहा है। आपका नाम आया है? नाम है लेकिन अब बहुत ढेरे पीछे में नाम है। हाँ। ये देखिए, इनका कहना है कि ये आवास के लिए, गैस सेट के लिए, मतलब बहुत बार गए हैं, इनका घर भी गिर गया है लेकिन इनको अभी तक आवास नहीं मिला है। आप कब से जा रहे हैं? अरे आज हम 8 से फॉर्म भर रहे हैं साहब, आज 21 हो गया। ये देखिए 8 से फॉर्म भर रहे हैं, आप समझ सकते हैं 13 साल हो गया है। जब इनको 13 साल में नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आप बहुत सारी योजना कार्यक्रम चला रहे हैं, पंचायत दर पंचायत बोल रहे हैं कि हमारी सरकार घूम रही है, लेकिन क्यों घूम रही है जब गरीबों का ही काम नहीं हो रहा है? तो आइए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम है बाबुल प्रसाद, ग्राम चौका, घर है मेरा इसी पंचायत में है, पतिला पंचायत है। पतिला, चलिए आप आपसे बात करेंगे, आप इसी पंचायत से हैं। क्या नाम है आपका? यदुनंदन प्रसाद। यदुनंदन जी, आपको अभी तक सरकारी योजना में कौन कौन सा योजना मिल पाया है? हमको तो कुछ नहीं मिला है, आवास, गाय सेड, बकरी सेड। देखिए मेरा घर गिरा, घर के लिए भी सब चीज ब्लॉक में लगा है कि मरम्मती भी मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं मिला। मेरे पास अपने से किसी तरह से करके ईटा के गिलावा पर करके दो रूम बनाए, उसमें सीटा चढ़ाए हैं, अभी भी सर गांव से भी पूछ लिया जाए। तो आपका नाम आया है आवास वाले लिस्ट में? आवास में आया है लेकिन नहीं मिल रहा है। तो काहे नहीं मिल रहा है, मतलब आप पैसा वैसा नहीं दे पा रहे हैं? इतना पैसा रहेगा तब ना। तो क्या मुखिया जी बोलते हैं? हमारा भी तो 1 रुपया नहीं है कि हम किसी को देंगे कि हमारा होगा। तो मुखिया जी क्या बोलते हैं? हमारा कोई तत्पर बात नहीं है, लेकिन हमारा सूची में जो भी नाम है आज से नहीं बहुत पहले से, लेकिन हमारा ये नहीं रहा है। तो आपको जाके बोलना ना चाहिए कि मेरा नाम है, आखिर क्यों नहीं आ रहा है? बोलते हैं कि पिछला बार में आएगा, पिछला बार में आएगा। अच्छा, पिछला बार में आएगा, ऐसे बोलते हैं। तो कब से बोल रहा है ऐसा? ये तो 2 साल हो गया था। 2 साल में मतलब पिछला नहीं आया? हमें कुछ ना मरम्मती आया ना कुछ आया, हमको कुछ लाभ ही नहीं मिला है। चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा। क्या नाम है चाची? मेरा नाम सुनीता कौर है, मेरे पति का देहांत हो गया। देखिए क्या है ये? 2015 में मृत्यु प्रमाण, हमारा घर नहीं बना, हमारा कॉलोनी नहीं मिलेगा, मिट्टी का घर है। देखिए ये, देखिए इनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है। इनके पति का मृत्यु 17/3 मतलब 17 मार्च 2015 को ही हुआ है, मतलब करीब 6 से 7 साल हो गया है, लेकिन इनको अभी तक आवास नहीं मिला है। आप मुखिया जी के पास गए थे? हमारा कब घर मिलेगा, एकदम मिट्टी के घर है, एकदम झोपड़ी। आप मुखिया जी के पास गई थी? हम मिट्टी के पास गए, मुखिया के पास 4 गांव, वार्ड के पास गए, हम सबके पास गए, हम 10 गांव कुछ नहीं गए, मिलेगा मिलेगा मिले कुछ नहीं, खाली पैसे मिलेगा 1000 बस, भले बस 3 गांव। तो क्या बोलते हैं मुखिया जी? है क्या बोले कुछ मुखिया जी, क्या बोले आपको गई थी? तो मुखिया बोले कि सबकी मिलेगा तो आपको मिलेगा, तो सबकी मत दूसरे हम उस मत न, जिसका पगा घर उसका पैसा लेके वार्ड सबको घुस देगा, उसके कॉलोनी दे रहा है, हम लोग कैसे रहेगा? मतलब जो पैसा दे रहा है उसको मिल रहा है, लेकिन बस आप हाला मत कीजिए, घबराइए मत, हम आपको दिलाएंगे, कब मिलेगा? जो बीमारी सब मुफ्त हो जा रहा है, सरकार हमको कब कर देगा? ये देखिए 6 साल हो गया है इनके पति के मृत्यु का, लेकिन अभी तक इनको आवास तक नहीं मिला है। के अंदर में हमको बोला ठीक है 6 साल 7 साल हो गया, एकदम मिट्टी के घर है, बड़ी लगा लो झोपड़ी, आपको विश्वास नहीं रहता, आप मेरे साथ चलिए। नहीं नहीं, हम लोग देख लेंगे। और बताइए, आप वीडियो के पास भी गई हैं? वीडियो के पास गए तो बोले कि आपका सब हो जाएगा, मत हड़बड़ाइए, हम कर देंगे। मुखिया से किनके घर को मिलेगा, तब हरम जमा हो गया, मिलेगा मिलेगा, अब हम क्या करेंगे? मतलब पैसा उसा के चलते नहीं दे रहे हैं? हम कहाँ से पैसा देंगे, हम एकदम गरीब बाल बच्चे, इतना बड़ा हम सिलाई करके घर चला रहे, हम कहाँ से पैसा देंगे? ये देखिए सरकार बोलती है कि आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार, हर द्वार हम जा रहे हैं,
आखिर सरकार द्वार कहाँ आ रही है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। पेंशन मिलना जरूरी है, सुनिए जब हम पेंशन वाले वीडियो के पास जाए कि हम बोले आप मुखिया से जाए कि हम चार बार भाड़ा में तभी हमको पैसे नहीं मिल जाए कि हम गड़ा गए हम 3 साल 4 साल पर तो हमको पेंशन मिला अभी तक हमको घर नहीं मिला। सरकार से यही आग्रह है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर इनको नहीं मिल रहा है, इनके पति जो है उनका मृत्यु 2015 में ही हो गया है, तो किसको आखिर योजना का लाभ मिल रहा है। 6 साल कुछ होता है, 6 साल ये कैसे बिताई होंगी ये जान रही है। आंखों में आंसू आ गया आप देख सकते हैं, लेकिन इनको भी नहीं मिल रहा है। रीजन क्या है कि ये 5,000-10,000 रुपया नहीं दे पा रहे हैं। कि हम जाएंगे हम मुखिया से वीडियो के पास जाए कि हम बोलेंगे, मुखिया बोले नहीं ना ऐसा मत कीजिएगा हम आपको घर दिलाएंगे, बोले आप कितना समझोगे। ये देखिए कांडी प्रखंड के वीडियो महोदय बार बार इनको मतलब दिलासा देते हैं सिर्फ कि आपको घर मिलेगा, घर मिलेगा, कब मिलेगा, 6 साल में नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आखिर इनको नहीं मिला है तो मिल किनको रहा है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पंचायत में जल्दी से जल्दी जांच टीम को भेजा जाए और जो भी लोग दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। आइए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम छोटू वर्मा है। वर्मा जी आप बताइए सरकारी योजना में 5 सालों में अभी तक कौन कौन से योजना का लाभ मिल पाया है? अभी कोई लाभ नहीं मिल पाया है। कोई लाभ नहीं मिला तो आप मुखिया जी के पास गए कि हमको कोई योजना का लाभ दिलवा दीजिए? आते हैं तो उसको पैसा चाहिए। पैसा चाहिए? हाँ, खाली ठेकेदार लोग देता है, मोट मोट पार्टी के देता है। कितना पैसा मांगते हैं? 5,000-15,000 गाय सेड में 15,000 चाहिए। अच्छा, गाय सेड में 15,000, आवास में? आवास में 5,000-7,000 रुपये मांगता है, वो कोई गारंटी नहीं है। मतलब 5,000-7,000 देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है? कोई गारंटी नहीं है, लिस्ट में नाम आएगा। ये देखिए इनका कहना है कि गाय सेड में 15,000, आवास में 5,000-7,000 रुपया देने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आप बताइए सरकार यहाँ पर करीब 40-50 लाख रुपया हर साल भेज रही है, आप बताइए आपके अनुसार कितने लाख का काम हुआ होगा? अरे कुछ काम नहीं होता है, केवल नरेगा ठेकेदार लेता है सर। मतलब ठेकेदार के थ्रू सारा काम हो रहा है, वो भी मतलब कुछ होता है तो सब नरेगा ठेकेदार के हो जाता है सर। मतलब उन्हीं लोग जिस जो पैसा दिया उसका करवाया, नहीं जो पैसा दिया उसका नहीं। जनरल आदमी कोई के नहीं। अच्छा, जनरल आदमी के नहीं हो रहा है? नहीं, कोई के नहीं। क्या नाम है सर आपका? अजीत कुमार वर्मा। वर्मा जी आप बताइए कि अभी तक 6 सालों में आपको कौन कौन से योजना का लाभ मिल पाया है? कुछ भी नहीं मिला है, और लिस्ट में नाम 2 साल से है लेकिन फिर भी मतलब नहीं मिल रहा है आवास। तो आखिर लिस्ट में भी नाम है आपका तो क्यों नहीं मिल पा रहा है? पूछते हैं तो वही बताते हैं कि अगला बार में आ जाएगा, पिछले बस यही सब बोलते हैं। तो क्या रीजन पैसा उसा है का कि जो पैसा दे रहा है उसको मिल रहा है? रीजन पैसा का ही है, मतलब जो पैसा दे रहा है उसका सबसे लास्ट में है उसको भी मिल जा रहा है? उसको भी मिल जा रहा है, और जो नहीं दे रहा है उसको नहीं मिल रहा। तो मतलब मुखिया जी को लग रहा है कि आप नहीं दे पाएंगे या नहीं दीजिएगा इसलिए नहीं दे रहा है क्या आपको? नहीं, वैसा बात नहीं है, लेकिन हम लोग से जब पूछे कि हम लोग को लिस्ट में नाम है तो आया क्यों नहीं, तो ही बताया कि आ जाएगा अगले बार में, मार्च में आएगा, जनवरी में आएगा, ऐसा ही कह के बात को टाल। मतलब कि आपका कहना है कि बस बहला फुसला रहा है कि आ जाएगा 1 साल 2 साल 3 साल, फिर 6 साल हो गया और लग रहा है कि चुनाव हो जाएगा, फिर कहेंगे कि वोट दे दो शायद तब आ जाएगा। जिसको एक बार मिल जाता है, जिस कॉलोनी मिल चुका है उसी को फिर आता है, और जो नया है उसको कभी नहीं। चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा। क्या नाम है चाचा? हमारे केशवर यार नाम है। केशवर जी आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन कहाँ मिल रहा है? नहीं मिलता है? नहीं। राशन? राशनों नहीं मिला। राशनों नहीं मिलता है? आवास मिला है? आवास घर? आवास हमारा कहाँ मिल रहा है, रेंगा के बाद मिलल। रेंगा के मिलल बा तो फ्री में मिलल बा कि पैसा दे के? नहीं, अब हम नहीं कह सके कि फ्री में मिलल बा कि का के मिलल। आओ सबके तो पैसा दे दे के मिलत है? तो पैसा दे ले भी है, अब वही नहीं वो दे ले हुई है लड़का समय भी। चलिए ठीक है। मुखिया जी का क्या नाम है? चंचल मुखिया कहा। चंचल मुखिया आप बताइए कि अभी तक 5-6 सालों में आपको कुछ मिला है सरकार के द्वारा जो योजना भेजा जाता है? नहीं। काहे नहीं मिला? आवास मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है? नहीं।
तो आप मुखिया जी के पास नहीं गए कि हमको भी कुछ दिलवा दीजिए? फिर गए इधर उधर गए तो जिसका सोर्स पर भी है उसका मिल रहा है, मेरे पास सोर्स पर भी नहीं है, नहीं मिल रहा है। मतलब जिसका सोर्स पर भी है, बड़ा मुंह है, पैसा वाला है, उसको मिल रहा है? कहीं है, मिल रहा है। तो मतलब पैसा वैसा भी लग रहा है? अब लग रहा है, लेकिन हमने कहीं दिए हैं, हमारा काम नहीं हुआ है। मतलब जो पैसा नहीं देगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, और जो पैसा देगा उसको सब कुछ मिलेगा? सरकारी फंड कोई चीज मिलवे नहीं किया है, क्योंकि आप पैसा नहीं दे पा रही हैं, इसलिए शायद नहीं मिल पा रहा है। ना हम दे रहे हैं, ना हमको मिल रहा है। अच्छा, ये देखिए, इनका कहना है कि हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो हमको कुछ नहीं मिल रहा है। क्या नाम है चाची आपका? सुभंती देवी। सुभंती देवी जी, आप बताइए कि अभी तक सरकारी योजना में जैसे कि आवास, गाय सेड, बकरी सेड, कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। तो आप मुखिया जी वृद्धा पेंशन वृद्धा पेंशन दिला गढ़वा तक कहाँ कहाँ धौल रांची तक धौल कागज बना बना के कागज भी जार देता। अच्छा, कोई भी नहीं देख सकता बा, कुछ। कौन कौन वृद्धा पेंशन के मतलब वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए किसके पास गई थी? वो चंचल मुखिया के पास। चंचल मुखिया के पास, तो क्या बोली? नहीं बनी अभी, नहीं बनी, माँ के कहे नहीं बनी, जहाँ मन तहाँ जाओ, मतलब जहाँ मन तहाँ चले जाओ, हम नहीं देंगे। वृद्धा पेंशन भी नहीं बनल, लंगा लुला के कुछ भी नहीं देवे। तो आखिर बन किसका रहा है? जो पैसा उसे दे रहा है, जो घूस दे रहा है, जो अमीर है उसका? कुछ नहीं मिले, सजा इंदिरा उड़ा कर ला कहते कि नहा दे पर बैतिन के पर्व कर ला त्योहार कर ला, इंदिरा तहाक नहीं उड़ा भैया। अच्छा, मतलब कुआं साफ करने के लिए? हाँ, वो नहीं उड़ा कर। इधर जल मीनार लगा है जो टंकी वाला होता है? हाँ, यहाँ नहीं खेला, वहाँ लगल बहन रोड पर, उन्हें लगा है। हाँ, तो चलता है? हाँ, वो मंदिर पास लगल चलता है उसको। हाँ, चला ले। अच्छा, आओ, आपको घर उर मिला है आवास? नहीं, कुछ नहीं मिला घर, और कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। बेटा उठा के कुछ नहीं, ककरो नहीं मिला। तो कुछ नहीं मिला है, आखिर किसको मिल रहा है? अभी हम बहुत लोगों से पूछे, किसी को नहीं मिला है। केकरा मुखिया दे रहा, का मिलो? मतलब आपके आसपास किसी को मिला है? किसी के नहीं मिला मंदिर। नाम उमाया है आप लोग का? कुछ नहीं, नामो नहीं खेया। अच्छा, तो मतलब किसको दे रहा है जो पैसा दे रहा है, जो 10-15 हजार कहाँ दे लेगा, केकरा दे लेगा, कहाँ मिलेगा? हम मतलब जो पैसा नहीं दे रहा है उसको नहीं मिल रहा? नहीं मिला हमने के पास, हमने गरीब आदमी है, कहीं हमने के जोत जमीन नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो हम लोग पैसा कहाँ से देंगे? मतलब जो पैसा देता है उसको केवल पैसा दिया है उसके अति वृद्धा पेंशन जवान के हो जाता है पैसा घुस देकर, हमने के उम्र नहीं है अभी, होगा नहीं। मतलब जो 15 साल के है उसको भी हो जा रहा है, लेकिन जो 60, 65, 70 साल का है उसको नहीं हो रहा है? छोट छोट के हो गया, अब बाकी हमने के नहीं। मतलब वृद्धा पेंशन में भी घूस लिया जा रहा है? हाँ। ये देखिए, चाची का कहना है कि जो 15 साल का लड़का है उसको मिल रहा है वृद्धा पेंशन, लेकिन जो 65 साल 70 साल का है उसको नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? क्योंकि 15 साल वाला पैसा दे दे रहा है, उसका हो जा रहा है, और जो 70 साल 80 साल के हैं वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उनका नहीं हो पा रहा है। कहाँ नाम है चाचा? जोगेंद्र। चाचा जी, आप बताइए कि आपको आवास मिला है, घर? कुछ नहीं, वृद्धा पेंशन तक नहीं मिले, हमने के पैसा लाग कहे के पैसा दे दहिए नहीं के देखो घर हमारे कैसन बा। वृद्धो पेंशन में पैसा मांगते हैं? हाँ हाँ। कितना? 10,000 मांगा ले सर। 10,000 वृद्धा पेंशन में? तब का 5,000 में सुनवाई बा, हमने कहा 10 रुपया नहीं देवे पारब, घर हमारे गिरल बा, कुल नहीं खोजत कहत का सब नाम बा हमारे नाम पर दूसरा के दे देते पड़े। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? काम करते हैं, खाते हैं। मतलब कि मजदूरी करते हैं? मजदूरी, जमीनों तो नहीं है, घर भर है खाली। मतलब आप मजदूरी करते हैं, घर भी नहीं है, फिर भी आपका आवास नहीं मिल रहा? नहीं नहीं। तो मतलब 10,000-15,000 दीजिएगा, इसके बाद मिलेगा? कहाँ से दिया वो काम? कौन मांगता है पैसा? वे सब मांगा ले मुखिया वार्ड अथी को निकाला स्वयं सेवक साहब, वे सब। क्या नाम है उसका? स्वयं सेवक। हमने नाम जानी ला, पढ़ा लिखा ली। अच्छा, ये देखिए, इनका भी कहना है कि जो 10 से 15 हजार रुपया देता है उसी को मिलता है। क्या नाम है चाचा? हमारा हृदय बैठा। हृदय बैठा जी, आप बताइए कि आपको आवास मिला है कॉलोनी? लिखबो कर ले तो खत्म चल गई। अच्छा, लिखबो कर ले वो खत्म कर दे ले, काहे हो? आप बकरी सेट को दे में 15,000 मांग ले। अच्छा, बकरी सेट देवे में 15,000 मांगल है? गाय सेट देवे में 15,000, 30,000 कॉलोनी देवे में 10,000, 40 भाई तो सब ओकरे दे दल रहे। तो मतलब कौन मांगता है? है कौन मांगल है? जानत है नाम? नाम नहीं जानल है। हाँ, सब मिल जवर के लेवल अथिरकी। अच्छा, सब मिल जुल के लेता है? हाँ। 3-4 गो आदमी है का? हाँ, सब जन जन बड़े तौन तौन सब 3-4 गो ना बड़े, हमने के सूची में नाम आ जाए तौनो साफ कर ले। मुखिया जी मतलब कौन कास्ट के हैं? महाराज हरिजन मुखिया जी है। हाँ।
तो हरिजन हो के भी हरिजन का नहीं सुनते हैं? नहीं, नहीं। किसका सुनते हैं? वो अपन गोतिया भाई के चाहे कोई के हरिये न खाई रहुगा। तो मतलब खाली गोतिया भाई के भी नहीं है वो? नहीं, कोई के नहीं। अगर तो गोतिया काल है आई कल की हम लियो के कुछ नहीं। एगो कहावत है, कहावत है, बाप बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, उहे वाला हाल है, उहे वाला हाल है, उहे हाल है। मतलब रुपया के सामने बपैयो के नहीं समझता, अपन बापो के नहीं खिंचना था। अच्छा अच्छा, ये देखिए इनका कहना है कि जो भी है मुखिया जी के लिए रुपया है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। निचली कास्ट के हैं लेकिन फिर भी निचली कास्ट पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। पैसा सरकार भेज रही है लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं चल रहा है। आइए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाची? एतवर के देवे। आपको आवास मिला है? नहीं। चापाकल? नहीं। गाय सेड बकरी सेड कुछ हो? कुछ नहीं। वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं, हम बनल। एज नहीं हुआ है आपका? नहीं, नहीं हुआ, कोई भी नहीं किया है, देखते नहीं के। अच्छा आप बताइए कि आखिर किसको मिल रहा है? आपको कुछ नहीं मिला है तो किसको मिल रहा है? अब जेना का 80 ओकरे नहीं मिली, हमारे पूरा बाकी मिली, हमारे कुछ नहीं के मिला। अच्छा सरकार 60 साल जिसका हो जा रहा है उसको दे रही है लेकिन आप यहाँ का बोलता है कि 80 साल होगा तब मिलेगा? यहाँ हम सुने कि 15 साल वाला के मिल रहा है, 20 साल वाला के मिल रहा है। कुछ मिलना ही नहीं तो हम का कहो? हाँ हमन से मर्दाना से छोट बड़न तो एक मिलत बानी, हमनी के का मिलत बा ना, हमनी के लेटरी रूम तक नहीं के मिलत, हमनी के कुछ नहीं के मिलत। 5-7 साल झेल ली तो 3 साल हमनी अथी दे के बनवाई ली कार्ड पैसा से। कितना पैसा दी है? 1,000। किसको? किसको दिए? अब मुखिया के दिए, वार्ड के दिए, केकरा दिए? अथी के बनावे वाला के डीलर के राशन कार्ड? हाँ। ई देखिए मतलब राशनो कार्ड में 1,000 रुपया लग रहा है, मतलब लूट का लिमिट होता है लेकिन यहाँ लिमिट क्रॉस हो गया है। राशन कार्ड में 1,000, वृद्धा पेंशन में 2,000, आवास में 10,000, गाय सेड में 15,000, बकरी सेड में 15,000। लिस्ट मतलब सुनते सुनते दिमाग घूम जाएगा लेकिन लिस्ट कम्प्लीट नहीं होगा, लिस्ट पूरा नहीं होगा। आप सुन सकते हैं कितने लोग हैं।